दोस्तों आज की जेरे नजर वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ड्रामा सीरियल क्रूलश उस्मान में अर्तुल गाजी के बेटे उस्मान बे कौन थे और उनका इंतकाल कब हुआ, कहां हुआ और कैसे हुआ। दोस्तों वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और वापस जाने से पहले हमारे चैनल सलजूक टीवी को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। दोस्तों सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान उस्मान गाजी का तल्लक आगोज कलैन में काई कबीले से था, जिन्होंने अर्तुल गाजी के खेमे में 1258 में आंख खोली। आप सगोत में सन 1281 में बेल्जिक के इलाके में पैदा हुए। दोस्तों जिस साल उस्मान गाजी पैदा हुए उसी साल मंगोलों ने अब्बासी रियासत का खात्मा कर दिया। दोस्तों उस्मान बे अर्तुल गाजी के सबसे छोटे बेटे थे और इनके भाइयों में गंदोज बे और साउची बे शामिल हैं। जब आप 23 वर्ष के हुए तो आपको काई कबीले का सरदार आला बना दिया गया। दोस्तों उस्मान गाजी अपने वालिद अर्तुल गाजी के दौर में तमाम काई सिपाहियों के कमांडर के तौर पर जंगों में शामिल रहे, इसी वजह से आपको गाजी का लकब दिया गया। नाजरीन मोहतरम, अर्तुल गाजी ने अपने बेटे उस्मान बे को कई बार सल्जूकी सल्तनत के सुल्तान के पास सफीर के तौर पर भेजा। अगर बात की जाए उस्मान गाजी की शादी के बारे में तो इनकी पहली शादी माल खतून के साथ हुई, जबकि दूसरी शादी शेख अदबाली की बेटी राबिया बाला खतून से हुई। इनके बेटों में सबसे बड़े बेटे का नाम अलाउद्दीन पाशा था और इनके छोटे बेटे का नाम ओरहान गाजी था। दोस्तों उस्मान गाजी ने अनगोल, काराचीसार, यानी शहर और बुरसा को फतह किया। इसके बाद ओरहान गाजी इनके जानशीन बने। दोस्तों उस्मान गाजी ने बाज़ंतीनी सल्तनत के तहत फोर की फौज को द बैटल ऑफ कोहिनूर में शिकस्त दी। दोस्तों उस्मान गाजी ने अपने चचा दुंदार बे को 1302 में कत्ल कर दिया क्योंकि उसने उस्मान गाजी की सरदारी को तस्लीम ना किया और दूसरा वो तैकफूर के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते रहे। इस पर उस्मान गाजी ने उसको सजाए मौत दी। दोस्तों उस्मान गाजी 43 सालों तक सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान के तौर पर काम करते रहे। दोस्तों इनकी वफात बुरसा की फतह के बाद 1326 को 68 साल में हुई और इस तरह से ये दुनिया फानी से रुखसत हो गए। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी तमाम दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल सलजूक टीवी को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों से हमारी सिर्फ इतनी सी अपील है कि हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।